इट्स ओके, मैसेज आप करते रहें, आवाज़ आपको आ रही है तो आप जैसे जैसे मौका मिले आप मैसेज करते रहें। काजी साहब, काजी इमरान खान साहब, कौम समूद की तबाहशुदा बस्तियाँ निशान इबरत बनी, ये हमने अभी शुरू किया था। सूरह नमल आयत मुबारक 51 और 52 पढ़ी, सूरह अलंकबूत आयत मुबारक 38 पढ़ी। अब आके आखिरी मौजू है जो कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से रिलेटेड मौजूआत में से आज ख़त्म हो जाएगा ये मौजू, तो मैंने सारा पीछे से रिवाइज कर दिया, आप लोगों को रेफरेंस बता दिया कि अगर आप लोग पढ़ना चाहें समझना चाहें तो रेफरेंस आप सुन लें, कहीं से भी आप तर्जुमा पा के आप तर्जमे से आप समझ सकते हैं आयत मुबारका को हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से और उनसे रिलेटेड जो मामलात थे उनके कौम के, और ऊँटनी का वाक्य अगर आप समझना चाहें तो ये सारी रेफरेंस मैंने कोट कर दी है जो कि कुरान पाक में आपको मिल सकते हैं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनके साथियों का अज़ाब से महफूज रहना, ये आखिरी मौजू है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से रिलेटेड। सूरत मुबारक हूद है और आयत मुबारक हम पढ़ेंगे 66। फलम्मा जा अमरुना नज्जैना सालिहन वल्लज़ीना आमनू माअहु बिरहमतिम मिन्ना व मिन खिज़्ज़ी यौमइज़िन इन्न रब्बका हुवल कवीयुल अज़ीज़ हुवल कवीयुल अज़ीज़। फलम्मा जा अमरुना, फिर जब हमारा हुक्म अज़ाब आ पहुँचा तो हमने सालेह अलैहिस्सलाम को और जो उनके साथ ईमान वाले थे अपनी रहमत के सबब से बचा लिया और उस दिन की रसवाई से भी निजात बख्शी, बेशक आपका रब ही ताकतवर गालिब है। सूरह हूद आयत मुबारक 66। फिर इससे रिलेटेड आयत मुबारक हम पढ़ते हैं जी, इसी मौजू से रिलेटेड आयत मुबारक है सूरह नमल आयत मुबारक 53। वन जैन अल्लज़ीन आमनू व कानू यत्तकून, और हमने इन लोगों को निजात बख्शी जो ईमान लाए और तकवा शहार हुए हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से रिलेटेड जो लोग उनके बात मान कर उनके साथ चले, अल्लाह ताला ने उनको बचाया। और सूरह नमल आयत मुबारक 53 में उसे उन्हीं का जिक्र किया जा रहा है, और हमने उन लोगों को निजात बख्शी जो ईमान लाए और तकवा शहार बने। सूरह हामीम अलसजदा आयत मुबारक 18। वनज्जैनल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून, और हमने उन लोगों को निजात बख्शी जो ईमान लाए और परहेज़गारी इख्तियार करते रहे। सूरह हामीम अलसजदा आयत मुबारक 18। और ये मौजू हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनके साथियों का अज़ाब से महफूज रहना, ये भी मुकम्मल हो गया। आगे हम पढ़ेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रिफ़त शान का बयान, अगला मौजू होगा। नेट रुका हुआ है तो इंशाल्लाह फिर आगे बात करेंगे आपसे, अगर आपको कोई मैसेज का प्रॉब्लम है तो मैं पढ़ता हूँ, अगर कोई मेरे साथ जुड़े हुए तो मैसेज करें। काजी इमरान खान कह रहे हैं नेट प्रॉब्लम है, बिल्कुल ऐसे ही है, आप लोग मैसेज करें। अच्छा जी, सुभान अल्लाह माशाल्लाह, शुक्रिया जी, मैसेज आ रहे हैं। बहरहाल शुक्रिया जो लोग मैसेज जिन्होंने किए और उनके मैसेज नहीं पढ़ सका, माजरत, और आप लोग जुड़े रहे आज, काफ़ी अच्छा लगा आप लोग जुड़े, बातचीत आप लोगों ने आपस में भी की और मेरे साथ भी जुड़े रहे, तो मैसेज आप लोगों ने किए, जिनके मैसेज मैं नहीं पढ़ सका उनसे माजरत, उनसे तय दिल से मैं माजरत का ख्वाह तो दरगुजर करें, क्योंकि मैं पुरानी इंसाइक्लोपीडिया में जब होता हूँ तो थोड़ा सा इस तरफ तवज्जो ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि रहे, तो आप लोगों को मैसेज नहीं पढ़ सकता, तो तय दिल से मैं आपसे एक माफ़ी का तलबगार हूँ जिन लोगों के मैसेज मैं नहीं पढ़ सका, चाहे वो सुबहान हैं चाहे वो दूसरे हैं, अगर मैं कोई मैसेज किसी भी वजह से नहीं पढ़ सका तो